नमस्कार दोस्तों, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। घोटाले दर घोटाले, हादसे दर हादसे, लेकिन कौन जिम्मेदार है? कोई नहीं। कौन जवाबदेह है? कोई नहीं। पहले नीट घोटाला होता है, फिर नेट घोटाला होता है, और इस बीच रेल हादसा होता है, लेकिन जवाबदेही तय नहीं होती। सरकार में किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होती। कुछ छोटे लोगों, सामान्य कर्मचारियों पर दोष थोपकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से, जवाबदेही से पल्ला झाड़ लेती है। कंचनगंगा रेल हादसा हुआ, आप सबने देखा किस तरह उस पर लीपापोती करने की कोशिश की गई। कभी कहा गया कि मालगाड़ी के लोको पायलट की गलती है, स्टेशन मास्टर की गलती है, लेकिन जो सिस्टम की गलती है, जो सिस्टम का फेलियर है, उस पर कोई बात नहीं होती। इसी सब पर आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक इस मामले के विशेषज्ञ, रेलवे के पूर्व सलाहकार अरविंद कुमार सिंह जी। अरविंद जी, आपका न्यूज क्लिक में स्वागत है। ये जो हादसा हो रहे हैं, हादसे हुए हैं, अब ये कंपैरिजन किया जाता है कि उस साल ज्यादा हुए, इस साल कम हुए, लेकिन हम देख रहे हैं कि हादसे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। ये जो हादसा कंचनगंगा का हुआ, इसे आप किस तरह देखते हैं, किस तरह कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? देखिए, कंचनगंगा का जो हादसा हुआ उसको, उसके बारे में अभी चूंकि उसकी डिटेल रिपोर्ट जो, उसके बाद जो एक संस्था है जो कि अभी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है, रेल संरक्षा आयोग, उसकी एक विधिवत रिपोर्ट आनी है। लेकिन ये अब सबके सामने है कैसे हुआ। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत रहस्यमयी है। जैसे कि याद होगा आपको, जिस हादसे पर नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था, गैसर रेल हादसा, वो बड़ा रहस्यमयी हादसा था। तो चाहे वो बालासोर हो या ये अभी जो हादसा हुआ, ये कोई रहस्यमयी हादसा नहीं है, ये पता है। और अगर आपको याद होगा तो सबसे ज़्यादा जो डिबेट हुआ है वो बालासोर को लेकर के हुआ, क्योंकि बालासोर एक ऐसा भारतीय रेल इतिहास का हादसा था जिसमें 3 ट्रेनों की टक्कर हुई। तो ऐसे दौर में जबकि लोग चिंतित हैं कि जब ट्रेनों का आकार बड़ा होने लगा है, मतलब उसकी लंबाई ज़्यादा, ज़्यादा लोग चलते हैं, ज़्यादा क्षमता के इंजन आ गए हैं, तो सुरक्षा ज़्यादा ज़्यादा जरूरी है और लोगों का अवेयरनेस लेवल भी बढ़ा है। तो अगर आप गौर करेंगे तो आज भारतीय रेल रोज लगभग ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर लोगों को ले जाती है। ये तो यातायात की जो बात है। और जो गाड़ियों की संख्या है, थोड़ा कोविड के दौरान गाड़ियां बंद थी आपको पता है, लेकिन औसतन 12,000 से 13,000 सवारी गाड़ियां चलती। और ऐसा नहीं कि हमारी सवारी गाड़ियों की स्पीड बहुत ज़्यादा है, आज भी जो हमारी सवारी गाड़ियां हैं उनकी एवरेज स्पीड 55 से ज़्यादा नहीं है, एवरेज, समझ रहे हैं, थोड़ी सी बढ़ी है, 10-5 किलोमीटर बढ़ गई होगी, लेकिन इतनी बढ़ी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ी। तब यह हाल है कि मैं मोटे तौर पर ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैं 1988 से रेलवे को देख रहा हूँ, तब से बहुत बार की ये देखा है कि कब कौन सी गाड़ी कहाँ हादसे का शिकार बन जाए, ये किसी को नहीं पता है। उसके पीछे के कुछ कारणों को सब लोग जानते हैं, इंक्लूडिंग रेल फोन। उनके पीछे के कारणों में कुछ मोटा मोटा बताना चाहूँगा। जैसे आप उदारीकरण की बहुत बात होती है, तो उदारीकरण जब शुरू हुआ तो 91 से 95 के बीच में, उस समय जाफर शरीफ रेलवे मिनिस्टर थे, उनके दौरान रेलवे एम्प्लॉयज की संख्या 8,000 थी और सारी रेलगाड़ियां जो चलती थी भारतीय रेल पर उनकी संख्या 8 से 9 हज़ार के बीच थी। आज कर्मचारी हो गए हैं 11 से 12 लाख के करीब, मतलब सीधे सीधे 7-8 लाख कम हो गए हैं, और गाड़ियां करीब करीब 2 गुना से ज़्यादा, मतलब करीब 3 गुने के करीब होने जा रही, करीब 21-22 हज़ार के आसपास हो गए। तो आप ये देखिए, यातायात इंक्रीज हुआ है। उसके पीछे भी अगर आप रेल लाइन को देखें तो रेल लाइन कोई बहुत बहुत ज़्यादा नहीं इंक्रीज हुई है। रेल लाइन जो उस समय बनी थी जाफर शरीफ के पीरियड में, एक प्रोजेक्ट यूनिगेज शुरू हुआ, वो छोटी लाइन से बड़ी लाइन बदलना, उसने रेलवे की क्षमता को विस्तृत कर दिया। अब उस क्षमता विस्तार में भी अगर आप पाएंगे तो भारतीय रेल की 50% से ज़्यादा गाड़ियाँ अगर आप देखेंगे तो 25% के आसपास का जो ट्रैक है उस पर चल रही है। तो यानी जहां 100 गाड़ी आपको चलाना, वहां 150 गाड़ी आप चला रहे हैं।
आपके पास मैन पावर कम है, बहुत सारे, और इसके अलावा बातें हुई हैं जो कवच हो या जो इस तरह की प्रणाली जी, हो। मैं इसी पे आ रहा था आपसे। पहले मैं हाँ, यही इस पे तो थोड़ा ना चाहूंगा कि जो ये हादसे दर हादसे हो रहे हैं, चाहे बालासोर का हुआ चाहे ये हुआ, मतलब सिस्टम की फेलियर है, यानी सरकार की भी कोई जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से डिनाई कर जाती है, मुकर जाती है और बस कुछ लीपापोती, एक जांच बैठती है, उस जांच की रिपोर्ट नहीं आती, दूसरा हादसा हो जाता है। क्या कार्रवाई हुई थी पिछले, उसमें कुछ नहीं पता चलता। तो क्या सरकार की जवाबदेही कुछ है या नहीं है इस दौर में? नहीं, बिल्कुल है। और अगर इस सरकार में देखेंगे तो एक काम बड़े बारीकी से हुआ है जिसके बारे में लोगों ने ध्यान नहीं दिया। सुरेश प्रभु आखिरी रेल मंत्री थे जिन्होंने रेल बजट पेश किया। अब रेल बजट तो पेश होता नहीं है, और संयोग से जब हम आप बातचीत कर रहे हैं तो करीब 100 साल रेल बजट के होने जा रहे हैं, यानी 1924 से 24-25 का जो बजट था वो पहली बार, मतलब रेल बजट और ये दोनों अलग हुए। उसके पीछे के कारण जो दिए गए थे, आज परिस्थितियां बदल गई हैं बेशक, लेकिन रेलवे लाइफ लाइन है। खास तौर पर अगर आप देखेंगे माल ढुलाई का मामला हो, जिसको पब्लिक, जिसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती, लेकिन यात्री यातायात के बारे में तो पता है, उपनगरीय रेलें हैं, ये है, बहुत सारा एक बड़ा तंत्र है जो काम कर रहा है। और गरीब लोगों के लिए आज भी ट्रेनें ज्यादा मुफीद हैं बाकी परिवहन के साधनों की तुलना में। तो अभी क्या हुआ है कि पिछले करीब 20 सालों में कुछ घटनाएं घटी जो दुर्घटनाओं के कारण ही कुछ नीतिगत बड़े फैसले हुए जिससे रेल दुर्घटनाओं में कमी आई। वो कमी कैसे आई थी मैं आपको बताऊं कि नीतीश कुमार के दौर में, रेल मंत्री के दौरान, लगभग रोज एक गाड़ी का हादसा हो रहा था, बड़े बड़े हादसे हो रहे थे, यहां तक कि उनको रेल मंत्री पद भी हादसे पर ही छोड़ना पड़ा। उसके बाद जब यूपीए की सरकार आई तो सबसे ज्यादा दबाव था कि हादसे किसी तरीके से कम हो, तो कैसे कम होंगे। उस समय क्योंकि अलायंस पार्टनर में लालू प्रसाद बहुत ही पावरफुल रेलवे मिनिस्टर बने, और उनके पीरियड में एक वो उत्साह के साथ जो है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जो पुराने राजनीतिक अनुभवों का लाभ उठाते हुए उन्होंने रेलवे को राजनीति का अड्डा नहीं बनने दिया था। बहुत सारे लोग उनकी आलोचना करते हैं, तो मैं बताऊं, मैं तो उस कार्यकाल को मैंने करीब से देखा, राजनीति का अड्डा नहीं बनने दिया था। और उन्होंने जो रेलवे के जो सबसे कमजोर कड़ी है, गैंगमैन से लेके और लोको पायलट तक, इन सब घटनाओं के बारे में लोगों को नहीं पता, उन्होंने इन सब पर ध्यान दिया था। और मिडिल जो जो एक मिडिल एम्प्लॉयज है, मिडिल कैटेगरी के, उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन रखते थे और जानने की कोशिश करते थे कि कोई समस्या है तो क्या है। तो इस नाते जो उस समय की जो सुधार हुए उसमें सारे एम्प्लॉयज को लगा कि कुछ चेंज होने वाला। उसी दौरान रेलवे की सुरक्षा संरक्षा के लिए एक डेडिकेटेड निधि बनाई गई, एक फंड बना, और उस फंड के नाते अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे करके, क्योंकि अचानक रातों रात तो कुछ होता नहीं, एक तंत्र और बना जिसके नाते रेल हादसों का, और फिर बाद में आखिरी दौर में भी अगर आप देखेंगे तो स्वयं पित्रोदा कमेटी और एक और कमेटी बनाई गई थी ये जानने के लिए कि अभी और क्या करने की जरूरत है। तो समय के साथ अगर आप उसका आकलन करते रहते हैं, अगर केवल रेल दुर्घटनाओं से जुड़ी हुई कमेटियों को केवल शोभा की वस्तु नहीं मानते, तो निश्चित तौर पर उसका बदलाव होता। लालू प्रसाद का पूरा टेन्योर इस बात के लिए याद किया जाएगा जैसे कि आपने हुआ। कहा कि क्योंकि मानव संसाधन की बात की, कर्मियों की बात की, कर्मचारी घट गए, रेलें बढ़ गई, तो खाली पद नहीं भरे जा रहे, नए पद तो क्रिएट करने बहुत ही मुश्किल बात हो रही है। अभी जो पुराने खाली पद हैं वही नहीं भरे जा रहे। उसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूंगा, एक कवच प्रणाली का बड़ा जोर शोर से ढिंढोरा पीटा गया, वो कितने की किसी भी कितने किलोमीटर पर वो हो पाई भी नहीं हो पाई, क्यों नहीं हो पाई? और इसमें एक बात ये भी, जैसे वंदे भारत का एक शोर है, तो क्या कुछ ट्रेनों पर ज्यादा ध्यान देकर कुछ ट्रेनों पर कम ध्यान दिया जा रहा है? रेलवे लाइन की समस्या जिस तरह की है, जैसे आप कह रहे हैं कि रेल की जो औसत स्पीड है 50, 55, 60, उसे कह रहे हैं कि हम बहुत हाई फाई वो बनाएंगे, उसकी स्पीड बढ़ाएंगे, लेकिन क्या वो हमारा ढांचा ऐसा है? तो मानव संसाधन, कवच, वंदे भारत, ये सब, इस पर कुछ आप मुझे बताइए कि जो आप सोचते हैं। है, मैं बताऊं आपको कि इस समय भारतीय रेल के पास, रेल अंधी गली में फंसी हुई है। उसके बाद इस समय ही केवल एक ही रास्ता बच रहा है जो अभी आने वाले समय में
उस पे जो काम धीमी गति से चल रहा है अब तक इसको पूरा हो जाना चाहिए था, वो था डेडिकेटेड रेल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और ये जी भी आपको याद होगा कि ये यूपीए सरकार की योजना थी और उसके लिए भी जापान से धन लिया गया था, कोई बाहर से फंडिंग हुई थी। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में भी दो सेक्शन, मतलब दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से कलकत्ता, इसका जो हिस्सा है, मतलब ये वाला जो है लुधियाना से शुरू हो जाएगा। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ही एकमात्र संभावना है जो कि इस समय दबाव जो इन इन क्षेत्रों में है ट्रैक पर वो कम हो, तो कुछ ज्यादा गाड़ियां चलाई जा सके या गाड़ियां सुविधाजनक तरीके से चलाई जा सके। अभी क्या है, देखिए जो हमने बताया कि वो फंड बना, इसके बाद सुरेश प्रभु को भी तो आखिर दुर्घटना के नाते ही जाना पड़ा। इस समय जो हमारे रेलवे मिनिस्टर्स की कड़ी है, अगर आप गौर करेंगे तो पहले यूपी एनडीए सरकार में पहले रेल मंत्री बने थे सदानंद गौड़ा, खुद जी कर्नाटक के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे और एक अनुभवी लीडर रहे, क्योंकि जो आदमी जमीनी राजनीति से आता है वो जमीनी चीजों को समझता है। तो सदानंद गौड़ा साहब ज्यादा दिन चले नहीं, फिर इसके बाद जो है आप जानते हैं कि सुरेश प्रभु साहब आए, उनको वहां जाना पड़ा। और उस बीच में एक ऐसे अधिकारी अश्विनी साहब को जो है रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, जो कि रेलवे में 20 साल के बाद आए थे, मतलब रेलवे के एक अधिकारी जो कि डिप्रेशन में बाकी रह गया, टूरिज्म वगैरह के सेक्टर में रहे वो, और उनको लाया गया था। उन्हीं का दौर था जब उन्होंने बहुत सारा, मतलब वो काफी मीडिया मीडिया फ्रेंडली भी थे, लेकिन उन्हीं के दौरान ये सब जो रेलों में जो बदलाव का जो दौर आया कि साहब सेवाओं का नाम बदलना है, सारी सेवाओं को मर्ज कर देना वगैरह वगैरह, तो इन चीजों से बदलाव तो नहीं हुआ, ऊपर से एक निराशा हुई क्योंकि जिनका अपना सीनियरिटी रहा है या जो जिनका अपना स्पेशलाइजेशन रहा है, क्योंकि रेलों में तो अलग अलग जो खंड है ये कहा गया कि डिपार्टमेंटल सुपरमेसी चलती है, तो डिपार्टमेंटल सुपरमेसी तो पूरा देश में अगर आप देखेंगे तो ये देश भी अलग अलग जो खंडों में है वो खंड मिलकर के एक सुंदर देश बनाते हैं, बेशक जिसमें सुपरमेसी के साथ उसकी जवाबदेही भी तो होती है ना, जो सुपरमेसी स्वाभाविक है। तो वो सब कुछ हुआ नहीं। और अभी क्या है कि अगर आप गौर कर रहे होंगे कि सुरेश प्रभु के समय ही ये भारतीय रेल अचानक कर्जों में दबती जा रही है, क्योंकि कर्जा नहीं लेती थी, कर्जे के लिए नहीं जानी गई है, ये खुद कमाने खाने वाला अपना महकमा था, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से काफी बड़ा जो है वो लिया गया। देखिए बिजली चली गई यहाँ पार्लियामेंट हाउस में, तो जी मतलब कर्ज लिया गया, लेकिन सुरेश प्रभु ने उस समय सरकार पर दबाव डाला काफी, वो किया कि साहब बड़ी बुरी हालत है। उसी रेल दुर्घटनाओं की चर्चा संसद में काफी हुई, तो ये हुआ कि एक डेडिकेटेड फंड बनना चाहिए। तो डेडिकेटेड फंड जो बना उसमें अगर आप देखेंगे तो पार्लियामेंट्री कमेटीज ने उसको बहुत क्रिटिसाइज किया, खासतौर पर रेलवे को, क्योंकि रेलवे अपना ही हिस्सा नहीं दे पा रही उसमें जो देना था उसको। तो फिर भी वो फंड तो जिसको कहिए कि लंगड़ाते हुए किसी तरीके से होते होते काम चला। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ट्रेनों की टक्कर की दुर्घटना, टक्कर की मामले सामने आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी जो चीज आ रही है कि ट्रेनों के पटरी, ट्रेनों के टक्कर के साथ पटरी से उतरने के मामले आ रहे हैं। जी ये कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो कि लगातार हो रही हैं और इनसे काफी खौफ एक तरह से पैदा हो गया है, मतलब रेलवे एम्प्लॉयज में भी, इनमें भी, एक तो दबाव में चल रहा है। तीसरी चीज जो आपने इसकी बात कही, जो वंदे भारत जैसी वैकेंसी, ट्रेनें हाँ वैकेंसी 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 कहना चाहूंगा, फिर वंदे भारत। का जी तो वैकेंसी के जो मसला वो सीरियस इसलिए हो गया क्योंकि देखिए बाकी वैकेंसीज को तो आप संभाल सकते हैं, लेकिन अगर वो वैकेंसी सेफ्टी कैटेगरी में होगी, है ना, आपने देखा होगा बीच में एक घटना आई कि उसमें ड्राइवर सो गया, जी बीच में एक घटना आई जिसमें वो मैच ही देख रहे थे लोग, तो अभी क्या है कि ट्रेनों में जब से ज्यादा हाँ, हाई, लेकिन इस वाले मामले में ये कहा गया कि लोको पायलट से नहीं सोया था, जबकि नियम अनुसार इतनी ड्यूटी लंबी नहीं हो सकती। ये कि 10 आवर ड्यूटी वायलेशन नहीं होना चाहिए, माने मैक्सिमम एक ड्राइवर की एक लिमिट, ड्राइवर एक मनुष्य है जी और इसीलिए उसको ये सब भी जो काम हुआ ये लालू प्रसाद के पीरियड में ये हुआ कि उनके रनिंग रूम वगैरह बेहतर बनाए गए, अच्छे से नींद पूरी हो सके, तो 10 आवर ड्यूटी के रूल पर लगातार जो है वो हुआ। और इसके लिए रनिंग, देखिए पूरे देश में अलग अलग तरीके की स्टाफ है, रेलवे में करीब 3 लाख लोग ऐसे हैं
जो केवल चलते ही रहते हैं उनको रनिंग स्टाफ बोला जाता है। अब रनिंग स्टाफ का तो एक टीसी है जिससे पब्लिक का मतलब होता है, अदरवाइज तो अगर आप गौर करेंगे कि रनिंग स्टाफ जो बाकी जो लोग होते हैं उनसे ज्यादा साबका नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीजों पर गौर करने के बजाय मैं बताऊं कि अभी क्या है कि बहुत सारे जो पद खाली पड़े हैं, करीब 3 लाख पद खाली हैं। अगर आप गौर करेंगे 3 लाख में आधे से ज्यादा ऐसे हैं जो कि सेफ्टी कैटेगरी में, यानी जिनको खाली नहीं, आप स्टेशन मास्टर हो, स्टेशन मास्टर का बीच में आएगा पता लगा वही अकेले कितना दिन, क्या पूरे पूरे 24 घंटे तो नहीं बैठा रहेगा, नींद आ गई। तो ये जो घटनाएं घट रही है मानवीय त्रुटियों से जी, तो मानवीय त्रुटि की बात आई, एक तरफ आप कह रहे हैं रेल कर्जे में दबती जाती है, एक तरफ उसका शायद दबाया जाता क्योंकि इतना ज्यादा उस पर सवारी चलती है, तो क्यों कर्जे में आ रही थी वो, जबकि उसका एक बजट होता था, एक बेहतरीन उसका पूरा काम होता था। उसके अलावा यात्री टिकट महंगा हो रहा है, कोच कम हो रहे हैं, स्लीपर कोच, जनरल कोच ये कम होते जा रहे हैं। उसके अलावा जैसे अभी खड़गे साहब ने भी बहुत सवाल उठाए कांग्रेस अध्यक्ष ने इसको लेकर एक्स पर, तो मेरा और ये जो मुआवजे का एक मसला रहता है, मुआवजे घोषित हो जाते हैं, एक जो ऑनलाइन हम टिकट करते हैं उस पर भी बीमे की भी राशि होती है, वो क्या सब लोगों को आसानी से मिल पाती है जो उससे प्रभावित हुए, मृतक के परिजन, घायल, इन सबको वो, इस सब का भी क्या सिस्टम है वो, क्या आप देखते हैं? पूरी बात बताऊं इसके पहले आपने एक लाइन कही थी जो वंदे भारत, वंदे भारत में केवल एक लाइन में कहूंगा कि वंदे भारत को भारतीय रेल का प्रतीक बताने की कोशिश की जा रही है। हाँ, और ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे कि भारतीय रेल की चमक दमक ही उसकी सारी, जबकि वंदे भारत एक देसी प्रोडक्ट है, स्वदेशी प्रोडक्ट है, उसमें कोई ऐसा नहीं बराबरी हो। दूसरी चीज ये है कि वंदे भारत ही पर्याय नहीं बन सकती, क्योंकि वंदे भारत को बनाने की आपकी क्षमता कम है, और वंदे भारत को आप किसकी कीमत पर कर रहे हैं, जो वेल एस्टेब्लिश जो गाड़ियां थी आपकी जी, जो राजधानी और शताब्दी, आप उन्हीं इलाकों में, और अभी भी आप उसकी एवरेज स्पीड को देखेंगे तो आप उसको, भाई आखिर देखिए हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड और मेल एक्सप्रेस, इन ट्रेनों की एक विधिवत परिभाषा बनी हुई है। आप सेमी हाई स्पीड की ट्रेन जिसको कह रहे हैं वो सेमी हाई स्पीड अभी है नहीं, उसको आप एक्सप्रेस कह सकते हैं। तो सवाल यह है कि ये चमक दमक। दूसरी चीज, आपने जो मुआवजे वगैरह की बात की, देखिए मुआवजा वगैरह केवल इस बारे में जहां तक मैं देख रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ, केवल जाफर शरीफ के पीरियड में वो रेलवे एक्ट अमेंडमेंट हुआ था, वो था 1994। उस एक्ट, उस अमेंडमेंट में यह था कि सारे रेल यात्रियों के लिए रेलवे बियर करेगा बीमा की राशि। अगर अभी आप IRCTC की साइट पर जाएंगे तो यह बीमा अभी जो है वो वैकल्पिक है। जी, वैकल्पिक है, वैकल्पिक है, और उसके लिए आपसे चार्ज लिया जाता है, उस तरह के चार्ज जो आप विदेश जाएंगे तो उसके लिए आपको। और दुर्घटनाओं में जो पूरा है कि अभी जाकर के करीब इन लोगों ने 10 लाख रुपया किया है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो एक बड़ा चर्चित अलीगढ़ का केस याद है ना आपको, जिसमें एक सरिया घुस गया एक पैसेंजर के, उसमें जी काफी कंट्रोवर्सी हुई, उसको बहुत कम पैसा दिया जा रहा था, बाद में जब हंगामा हुआ और मीडिया ने वो किया तब भी जाके उसको 5 लाख रुपए दिए हैं। अभी जाकर के उसका मुआवजे की जो राशि है वो 5 लाख से 10 लाख है, 10 लाख है। तो लेकिन ये 10 लाख मिलता किसको है, ये इतनी जटिल प्रक्रिया है मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये सारी पूरी प्रक्रिया रेलवे ट्रिब्यूनल से जाकर के, रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल, यानी जो मृतक का जो आश्रित है वो, अगर कोई ऐसे ही आदमी मर गया तो उसमें बहुत सारे केसेज ऐसे आएंगे जिनमें आप समझिए कि उस पूरी प्रक्रिया और धक्का खाने की जो प्रक्रिया होती है क्लेम ट्रिब्यूनल में, जितने डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है, पहले तो आप अपने उस यात्री के बारे में पूरा बताएं, हाँ वो और वो साबित करें हो उस पर गया टिकट था, रिजर्वेशन था या नहीं। हाँ, जी, वो साबित हो गया तो खुद को साबित करिए कि साहब ये आप हम उसके उसकी कितना नहीं दीजिए। आश्रित हैं, परिजन हैं। जी तो ये जो जटिलताएं हैं, ये जो जटिलताएं हैं ये बहुत ज्यादा वो है। मैं आपको एक छोटी सी चीज ये बताऊं कि बालासोर की है ना, जैसे कह रहे हैं कि साहब लोगों को लगता है कि घोषणा के साथ हो जाता है, मैं बालासोर का एक सवाल का जवाब बताऊंगा। एक AD सिंह जी ने 21 जुलाई 2023 को बालासोर के बारे में पूछा, सवाल पूछा था कि क्या हुआ, तो इसमें जवाब आया कि मिनिस्टर ऑफ रेलवे हैड अनाउंस पेमेंट ऑफ ₹10 लाख ईच टू
नेक्स्ट आप तीन आप देखिए, टू लैख इज टू इंजर्ड एंड 50,000 वगैरह वगैरह ये है। तो दिया कि 13 जुलाई 2023 तक 258 क्लेम रिसीव हुए हैं, ठीक है, एंड 51 क्लेम्स जो है वो दिया है कि सेटल हो गए। तो आप बताइए, 290 से ज्यादा मौतें हुई थी, जी आप बिल्कुल। 51 कर रहे हैं 2 महीने के बाद भी। तो एक और और मतलब मैं एक और हादसा, एक हाँ, और उस परिवार और को हादसा मैं झेलना इसमें मैं पड़ता है, आपको पीड़ा एक झेलनी छोटी पड़ती सी है। चीज बताना चाहूंगा, मैंने कागज रखा है, आपसे बात हुई थी। तो क्लेम में मैं आपको बताऊं कि क्लेम में हमेशा बहुत लंबा लंबा डिले होने वाले केसेस हैं। मैं आपको बताऊं, ऐसे मामले भी 5-5 साल तक जो है डिले हुए हैं। तो आप ये सोच लीजिए, तो आदमी हताश, अगर वो आपको अदालत जी, बना दो, इजलास तो बना मुझे दो। लगता है अब हम सम अप करें इस बातचीत को। तो जी, सुरक्षा का मसला एक बहुत बड़ा मसला है, ट्रेनों की स्पीड बढ़े वो उससे पहले जरूरी है कि सुरक्षा हो। रेलवे लाइन किस तरह की चीजें हैं, स्टाफ की क्या स्थिति है, कैसी वैकेंसीज हैं, उन्हें भरा जाए। तो मुझे लगता है कि वरना आपने जैसे सही कहा कि भारतीय रेल अंधी गली में फंस गई है, यही आपका मुझे लगता है कि एक कमेंट है, एक हेडलाइन है अपने आप में। तो आप हमसे जुड़े, मुझे लगता है कि अगर कुछ आखिरी कमेंट आपको कहना हो कुछ इस पूरे सिस्टम के बारे में, तो वो कह के हम बात खत्म करें। मैं केवल एक लाइन कह के बात खत्म करता हूं कि हर समय के साथ जनाकांक्षाएं बढ़ती हैं, है ना। आदमी की जो ट्रेवलर है, हाँ, यंग बच्चा है, उसको हमारा जो बचपन था उसमें हम जिस तरह की रेलगाड़ी में जाना चाहते थे उसमें नहीं जाना चाहता है। तो यात्री सुविधाएं बेहतर हों, लेकिन जरूर सबसे जरूरी है सुरक्षा और संरक्षा, यानी सुरक्षित सफर करे। तो मुझे लगता है कि तत्काल भारतीय रेल को, क्योंकि अब इस समय पार्लियामेंट में रेलों पर कम से कम चर्चा होती है, ये तो मुझे दो चीजें लगता है कि इस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। पहला कि रेलवे को अटेंशन पे लाने के लिए जरूरी है कि आप रेलवे की बजट की प्रणाली को दोबारा रिवाइव करें, क्योंकि कोई फायदा नहीं हुआ। जी दूसरा, तत्काल एक कमीशन बने जो कि रेलवे की प्राथमिकताएं क्या तय करनी है इसके बारे में जांच करे, और वो कमीशन केवल रेलवे के अधिकारियों का नहीं हो, पार्लियामेंटेरियन हो और एक्सपर्ट हो। जी ये मुझे लगता है ये तत्काल करने की जरूरत है, अन्यथा ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। और इससे जो है इतना बड़ा लॉस होता है, आप उठा करके देखिए, और लोग चिंतित होते हैं कि आज 21वीं सदी में क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि आदमी पैसा दे के जा रहा है और अपनी जान गंवा के आ रहा है। तो ये चीज है लगता है। जी, आपने रेल की दशा और दुर्दशा दोनों बताई हमें, क्योंकि आप उसके सलाहकार रहे हैं रेलवे बोर्ड के। तो हमसे जुड़े, मुझे लगता है कि सरकार तक भी ये बातें पहुंचेंगी। और जैसे आपने कहा कि रेलवे बजट वाकई में दोबारा शुरू होना चाहिए, वो बजट आता था तो एक रेल पर चर्चा भी होती थी, लेकिन अब बिल्कुल चर्चा ना हो इसलिए पहले कम होती थी और रेल बजट ही खत्म कर दिया गया, उसे समाहित कर दिया गया आम बजट में। तो मुझे लगता है क्योंकि अब एक बार फिर बजट आने वाला है, क्योंकि अब मोदी 3.2 में, तो मुझे लगता है इन सब बातों पे गौर किया जाएगा, बातचीत की जाएगी और ऐसे हादसे कम से कम हो इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, यही हमारी सोच है, कामना है। आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।